हेलो स्टूडेंट्स अब हम लोग पार्टनरशिप में अगले टर्म कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सिखाया था इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि पार्टनर के कैपिटल को हम लोग दो कैटेगरीज़ में बांटते हैं नंबर वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड नंबर टू इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो अब ज़रा देखते हैं कि फ़िक्स्ड कैपिटल में हम लोग कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया था कि फ़िक्स्ड कैपिटल के केस में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने पड़ते हैं यदि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने बोला जाएगा इन केस ऑफ फ़िक्स्ड कैपिटल में तब हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल की क्या फॉर्मेट हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता दिया था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही कर लिया है आज आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करता हूं और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन करता हूँ इसके बाद फ्लक्चुएटिंग के केस में जाएंगे सबसे पहले फिक्स्ड के कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जानते हैं ध्यान रखेंगे क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन बाई बैलेंस बी डी को लिखते हैं और इसके बाद बाई कैश और बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लाता है तो इसको लिखते हैं जबकि डेबिट साइड में टू कैश या टू बैंक आपका विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल के लिए होता है और बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी डी या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के टर्म कंडीशन है फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई कमीशन मीन्स पार्टनर्स कमीशन बाई सैलरी मीन्स पार्टनर सैलरी बाई शेयर अप प्रॉफिट इफ़ और इसके बाद क्रेडिट साइड में इन सभी आइटम को पुट करने के बाद हम लोग डेबिट साइड के बारे में जाएँ तो डेबिट साइड में आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इनकेस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट को पुट करते हैं फिर टू ड्राॅइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स एंड टू शेयर अप लॉस इफ़ मीन्स प्रॉफ़िट आएगा तो क्रेडिट साइड में और लॉस आएगा तो डेबिट साइड में इसे पुट करते हैं अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हुआ क्रेडिट का साइड ज़्यादा हुआ और डेबिट का साइड कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी डी लिखाएगा और अगर आपका डेबिट का साइड ज़्यादा हुआ और क्रेडिट का साइड कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस सी डी लिखा जाएगा ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट है अब आप लोगों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मोड बताता हूँ अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मोड होंगे अगर पार्टनर्स के तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रीशन अकाउंट बनाने के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई बैलेंस बी डी बीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल को लेते हैं कैपिटल के क्रेडिट पार्ट को लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई कैश और बैंक ये हमारा एडिशनल कैपिटल के लिए होता है बाई पार्टनर्स के सैलरी को लेते हैं बाई कमीशंस को लेते हैं बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ़ मीन्स अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में और अगर शेयर अप लॉस होगा तो इसे हम लोग डेबिट साइड में पुट करते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स को हम लोगों पार्टनर्स के इंडिविजुअली अकाउंट में उन्हें पुट करते चले जाएंगे। फिर डेबिट साइड डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर आपके पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस डेबिट होगा तब ऐसे कंडीशन में उसे हम लोग डेबिट साइड में पुट करते हैं बहुत रेयर केस में ये पार्ट हम लोगों को मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में लेकिन फिर भी फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ तो इसके बारे में बताना जरूरी था फिर हम लोग टू ड्राइंग्स को लेते हैं डेबिट साइड में नेक्स्ट आइटम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं फिर नेक्स्ट आइटम टू शेयर ऑफ लॉस लेते हैं पहले ही बता दिया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड तो शेयर अप लॉस जो है हम लोग डेबिट साइड में पुट करते हैं अगर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और आपका डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी कहलाएगा और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ और क्रेडिट साइड का टोटल कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस सीडी के रूप में आएगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट हैं केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है ध्यान रखना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रियशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जबकि फिक्स्ड कैपिटल का मोड अगर होगा तो फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं ये सारा चीज़ क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं ओके थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगले टर्म कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू